टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ अलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सियाती मंसूबों के साथ साथ वहां की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाकयात का अहाता करता है। आज की खबरों में लद्दाख की खबरों को भी शामिल करते हैं। सबसे पहले हम रूहानी पेशवा दलाई लामा की गुज़िश्ता हफ्ते लद्दाख में आमद की झलकी आपको दिखाते हैं। हिज हाइनेस दलाई लामा का लद्दाख में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। परम पावन दलाई लामा जी धर्मशाला से कल जम्मू पहुंचे और जम्मू से एयर इंडिया के फ्लाइट से आज ले पहुंचे और ले एयरपोर्ट पे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गुनपा एसोसिएशन, अंजुमन मोनुल इस्लाम इमामी एसोसिएशन, क्रिश्चन एसोसिएशन, सभी लोगों के नेतृत्व में लद्दाख के जितने भी रहने वाले लोग हैं, सभी लोग रोड के किनारे हाथ में खतक लेके, फूल लेके हिज होलीनेस दलाई लामा जी का स्वागत किया। दलाई लामा जी ने जो यहाँ के लोगों को संबोधित करते हुए यह आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में कुछ दिन रेस्ट करने के बाद बुद्धा अवलोकितेश्वर के प्रवचन देंगे। यहाँ वेदर ठीक रहे, हिज होलीनेस जी का सेहत ठीक रहे तो हमारा उम्मीद है यहाँ पे लंबा स्टे भी करेंगे और शायद जंस्कार और लिंगशेद जैसे एरियाज में भी हिज होलीनेस जी का विजिट करना लोगों का अपेक्षा है। लद्दाख में पोलो का खेल हमेशा से बहुत मकबूल रहा है। हाल ही में लेह के मकाम पर पोलो के फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस फेस्टिवल की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। इस बार हमें ज़रूर प्रेशर था क्योंकि हमारे जो टीम में मेन प्लेयर जो हमारे बैक ही था वो हमारी टीम से रिटायर हो चुका है, सुबेदार इब्राहिम, तो हमें एक नया बैक को सेट करना था। दूसरा रीज़न ये था कि जो यहाँ छुछोत के जो मेन टीम है इंडोर्स और एनिमल हस्बेंड्री, उनका यह होम ग्राउंड था, हमें छोटे बड़े ग्राउंड पर हमने प्रैक्टिस किया हुआ था, इसलिए थोड़ा बहुत हमें डाउट था और इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जो पिछले साल से रहता था हमारी टीम में। तब भी हमारे जो नए प्लेयर्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म दिया जिसकी वजह से आज आपने हमारे मैच देख लिया, हम जीत चुके हैं।
शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में पहले एक्सपोर्ट प्लान का इफ्तिताह किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनुप्रिया पाटेल ने शिरकत की। इस एक्सपोर्ट प्लान का मकसद इलाके के दस्तकारों, हुनरमंदों, आर्टिस्टों और सनतकारों की मसनूआत की एक्सपोर्ट बढ़ाने की खातिर ट्रेनिंग फराहम करना है। पिछले दो वर्षों से हम लोग इस पर काम कर रहे थे भारत सरकार के कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के। आज हर डिस्ट्रिक्ट का एक डिटेल प्लान हमने बनाया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के हर जिले से एक्सपोर्ट हो इसकी कोशिश हम करेंगे। और हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने इसमें मार्गदर्शन नहीं बल्कि बड़ा सहयोग भी हमारा किया है। बड़ी इंस्टीट्यूट है, हम पहले ही इसमें काम करते थे क्योंकि यहाँ हमने जो एक्सपोर्ट हुआ है दुबई मसलन, सपोज हमने 50 किलो एक्सपोर्ट किया है तो काफ़ी अच्छी रेट मिले हैं। आज तक तो पिछले साल तक तो ये नहीं था, क्यों हमारी जो मार्केट की वैल्यू था वो बिल्कुल कम था। अभी इस साल हमने कम से कम 50 किलो 1 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सरकार की कोशिश है कि एक्सपोर्ट्स हमारे फिर से बढ़े, तो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो सिलसिला चला पिछले एक साल से चला है, तो वहाँ पे हमने हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी जो है शिनाख्त है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना पोटेंशियल है। तो यहाँ मोस्ट ऑफ द सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हैंडीक्राफ्ट का है और हॉर्टिकल्चर का है। उन एरियाज़ पे फोकस करके हर डिस्ट्रिक्ट का एक्सपोर्ट प्लान बना हुआ है और कोशिश यही है कि नंबर ऑफ़ एक्सपोर्टर्स बढ़े। एक तलबा रितिका शर्मा ने स्टेट बोर्ड इम्तहानात में 10वीं जमात के अंदर 99.8% नंबर हासिल करके पहली पोजीशन ले ली है। रितिका ने अपने पैगाम में इलाके के तलबा और तालिबात को कहा है कि वो शुरू दिन से ही अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। तो इसमें मुझे बहुत खुशी है, इस बात पे सभी बहुत खुश हैं और मेरे पेरेंट्स भी सभी बहुत खुश हैं इसके लिए। और मैं सभी को यही मैसेज दूंगी कि हमें स्टार्टिंग से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए और फिर कुछ होते हैं जो लास्ट में जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं तभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे में सिर्फ पासिंग मार्क्स ही ले सकते हैं। खुशी है मुझे इतने अच्छे मार्क्स लिए, गांव का नाम रोशन किया और गवर्नमेंट टीचर को भी मैं जाता हूँ। हाँ जी, सभी सीन में पहुँच रही हैं, अच्छे पढ़ रहे हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। मैं खुश हूँ, खुशी का कोई जाना नहीं है, अच्छे मार्क्स लिए।
लाइन ऑफ कंट्रोल पर सांबा के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्रोन्स की मदद से कुछ मशकूक ड्रोनर्स की तलाश की। इस जिम में आपको इस तलाश की झलकियां दिखाते हैं। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ ANI की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।